प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक जबरदस्त वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत की शान मेजर गौरव आर्या जी, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या राय रखते हैं और उनके क्या विचार हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और जबरदस्त वीडियो लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। मुझे तो लगता है कि अगर G20 के बाद अगर कोई डिप्लोमेटिक विक्ट्री भारत की हुई है तो ये हुई है सर। दिस इज फिनोमिनल, ये जो हुआ है। अच्छा, इसमें ना दो तीन चीजें हैं सर इसमें, कि जैसे मोदी जी ने लीड करा, फिर डॉक्टर जयशंकर थे, फिर NSA साहब थे, अजीत डोवाल साहब, सब लोग इसमें तीनों ने वो करी, बट इट वॉज लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ने लीड करा इसको। जब उन्होंने COP28 में जो दुबई में हुआ था, जब उन्होंने इनसे बात करी थी, जो कतर के अमीर थे, when he spoke to him about this, मेरा ये मानना है, ऐसा कोई मीडिया में कहीं नहीं आया, पर मेरा ये मानना है कि सर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, यू नो, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यू कैन से नो, बट व्हेन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मेक्स अ पर्सनल रिक्वेस्ट, मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है मना करना, बहुत मुश्किल। इट्स वेरी डिफिकल्ट सर, इट्स हॉरिबली डिफिकल्ट टू से नो टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये कोई ऐरा गहरा देश नहीं है सर, ये भारत है और मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, एंड इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर। सो व्हेन ही गोज एंड टेल्स द अमीर ऑफ कतर कि सुल्तान साहब ऐसा है कि थोड़ा सा ना दायमाएं करो, इनको हमारे बंदे वापस भेजो, तो उन्होंने मना नहीं करा। उन्होंने बोला, देखिए उनको भी फेस सेविंग चाहिए अपने मुल्क में, वो अचानक तो नहीं कह सकते कि मोदी जी के साथ मैंने हाथ मिलाया, जपी डाली मैंने और फट से अगले दिन फ्लाइट पकड़ के आ गए। तो वो पहले एक स्टेप हुआ, दूसरा स्टेप हुआ, तीसरा स्टेप हुआ। तो ये एक तो ये चीज हो गई सर, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग दैट इज हैपेंड। Second thing is that India has signed a $78 billion deal. 78 अरब डॉलर की डील साइन करी है गैस की with Qatar sir. तो उसमें भी 6 अरब डॉलर भारत ने बचा लिए हैं और 20 साल की डील है। सो अब आप ये देखिए सर कि 78 अरब डॉलर की डील 20 साल में। सर एक बात बताइए, जो भारत सिर्फ बिजनेस कर रहा है एक तरफा, ये दो तरफा बिजनेस नहीं है, दिस इज ओनली इंडिया परचेजिंग, वो भारत से अलग खरीदेंगे वो अलग चीज है, दिस इनफैक्ट इटसेल्फ इज फार बिगर देन सीपैक सर। जी ये बहुत बड़ा स्टेप है सर, लेकिन बहुत ट्रोलिंग होती रही, उस पर भी जरा साथ बात कीजिए। हाँ, जब शुरू शुरू में सजाए मौत सुनाई तो भारत में बड़ा हुआ, भारत में पाकिस्तान में भी बड़ा हुआ। भारत में तो अच्छा, पाकिस्तानियों को तो मैं पता था कि वो दे विल एंजॉय देमसेल्व्स एंड ऑल दैट, कि अभी देखो अभी फंस गए इंडिया वाले और ये सब, तो दे विल से ऑल दैट व्हाटएवर दे हैव टू से। बट जो इंडिया में हुआ, इंडिया में ऑपोजिशन पार्टीज को बड़ा मजा आ रहा था कि बड़ा मोदी जी कह रहे थे विश्वगुरु विश्वगुरु, अब आया मजा, अब लोग तो मजा लेते ही हैं सर। तो सारी पार्टियों ने बोला, यहां पे सरकार ने कुछ जवाब नहीं दिया, काम चल रहा है। ये सरकार कभी जवाब नहीं देती, आप कुछ कह लीजिए, आप देख लीजिए इमरान खान जब प्रधानमंत्री था उसने क्या गालियां नहीं इस्तेमाल करी मोदी जी के लिए, क्या बुरा भला उसने नहीं बोला मोदी जी को, भारत को क्या गंदी बात नहीं बोली उसने इमरान खान ने, मोदी जी ने एक बार जवाब नहीं दिया, चुप। ये इंडिया की पॉलिसी है, ये सरकार की भी यही पॉलिसी है। आपने हमारे 8 बंदों को सजाए मौत सुनाई, हमने सिर्फ ये बोला वी आर डीपली शॉक्ड, बस इसके अलावा भारत ने कुछ नहीं बोला, चुप। जो करना है करो, हल्ला मत करो, बात मत करो, कीप क्वाइट अंडर द रडार, जो डिप्लोमेसी करनी है सर। और सब लोगों से बात हुई सर, जितने भी और स्टेक होल्डर्स थे रीजन में सबसे बात हुई, प्रेशर अप्लाई हुआ। और दूसरी एक और चीज है सर कि हमें यह समझना पड़ेगा कि गल्फ जो है ना, ये जो मुस्लिम कंट्रीज ऑयल प्रोड्यूसिंग, अब ये बड़ी तेजी से चेंज हो रही है, इनका माइंडसेट चेंज हो रहा है। अब जो मंदिर बन रहा है सर वहां पे, लोग कह रहे हैं भारत की डिप्लोमेटिक जीत है, ऑफ कोर्स भारत की डिप्लोमेटिक जीत है, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत की डिप्लोमेटिक जीत नहीं है, पर सर इससे भी बड़ी ये बात है, आप समझ लीजिए कि वहां का जो प्रेसिडेंट है UAE का, राइट, MBZ, वो उसके लिए कितनी बड़ी डिप्लोमेटिक जीत उसके लिए भी है कि ही इज एबल टू टेल द वर्ल्ड दैट दिस इज नो लॉन्गर अ क्लोज्ड सोसाइटी ओनली फॉर मुस्लिम्स, जहां पे बाहर वाले लोग आते हैं मजदूरी करने के लिए। वो ये कह रहे हैं कि ये हमारा देश है, ये लिबरल देश है, ये डेमोक्रेसी ना हो कोई बात नहीं, ये लिबरल देश है, ये एक अच्छा देश है, एंड एवरीबडी इज वेलकम। आप हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, पारसी हो, कोई भी हो, आपका स्वागत है, आप आराम से आकर रहिए, वी विल गिव यू ड्यू रिस्पेक्ट।
तो दे आर ऑल्सो लुकिंग एट पोस्ट ऑयल सर. ये जो ये पोस्ट ऑयल का फेनोमेना है ना सर, आप मोहम्मद बिन सलमान को देखिए, क्राउन प्रिंस, औरतें गाड़ी चला सकती हैं, बिना महरम के घर के बाहर जा सकती हैं, नॉन मुस्लिम डिप्लोमेट्स एक खास अमाउंट में शराब ले सकते हैं खास जगह से, नई सिटी बन रही है टूरिज्म को, आईपीएल खरीदेंगे, $5 अरब का इन्वेस्टमेंट करेंगे आईपीएल में, ये करेंगे वो करेंगे, आईपीएल का एक स्टेक खरीदने की उन्होंने बात करी है, मेसी जा रहा है, रोनाल्डो जा रहा है, ये सब दुनिया के फुटबॉलर्स क्यों कर रहे हैं सर? व्हाई दिस चेंज? क्यों ये चेंज हो रहा है? क्योंकि अगर ये ऐसे ही अड़े रहे, इनका 20-30 साल में तेल खत्म हो जाएगा, फिर उन्होंने भेड़ बकरियां चरानी है जैसे इनके दादा वादा चराते थे सर, ग्रेट ग्रैंडफादर चराते थे, दे विल डू द सेम थिंग. तो अब इनको अगर ये मेंटेन करना है स्टैंडर्ड और अपना रिलेवेंस मेंटेन करना है तो इनको ऑयल से हटना पड़ेगा. फॉर फार टू लॉन्ग दे हैव बीन डिपेंडेंट ओनली ऑन ऑयल. तो ये जो मंदिर की बात है ना सर, ठीक है, भारत का बढ़ता डिप्लोमेटिक क्लाउड जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है सर, लेकिन ये भी इसमें भी कोई शक नहीं है कि इट ऑल्सो मीन्स दैट यू नो वो लोग भी बदल रहे हैं. उनके आशीर्वाद के बिना, उनके सपोर्ट के बिना, मैं सुल्तान की बात कर रहा हूं, उनकी जो यूएई के प्रेसिडेंट है उनकी बात कर रहा हूं, उनके आशीर्वाद के बिना ये बन नहीं सकता था मंदिर सर. विदाउट हिज ब्लेसिंग्स कैसे बन पाता? हम जबरदस्ती थोड़ा ना मंदिर बना देते वहां पे. उन्होंने अग्री करा बिकॉज ही इज ऑल्सो चेंजिंग, हिज इकोसिस्टम इज चेंजिंग स्लोली सर. ये बात जी सर. आखिर में सर इसी मंदिर के हवाले से मैं बात करूंगा. आपने दुरुस्त कहा कि ये देश चेंज हो रहे हैं. आई एम अ बिग फैन ऑफ यूएई एज वेल एज सऊदी अरेबिया एंड देयर रूलर्स. ऑनेस्टली वो दे आर ऑन द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन. अब सर मैंने दुबई में मंदिर वाली गली देखी, छोटे छोटे मंदिर पुराने कई सालों से चले आ रहे हैं, मगर ये जो मंदिर है ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, ये जो अबू धाबी में मंदिर बन रहा है. और फिर आपने सही कहा कि जिस तरह MBZ और जो वाकिल रूलर्स हैं यूएई की स्टेट्स के, वो उनका इतना अच्छा जेस्चर्स है भारतीयों के लिए. सर मैं आपको बताऊं, मैं दुबई बहुत जाता हूं, यूएई बहुत जाता हूं, वहां पे आम जो अरब है वो भी भारत से इतना प्यार करता है, इवन सऊदी आम शहरी भी बहुत प्यार करता है. तो सर इस सारी सिचुएशन में जो आपने क्रेडिट दिया MBZ को, वो तो अपनी जगह पे है ही है, आइंदा के जो रिश्ते हैं वो आपको कैसे दिख रहे हैं भारत और गल्फ स्टेट्स के, GCC कंट्रीज के? सर मुझे तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, मुझे फ्यूचर बहुत ब्राइट दिख रहा है. और जो उनके एम्बेसडर हैं भारत में यूएई के, उन्होंने अभी भी ये बोला है, हाल ही में स्टेटमेंट आया है कि दिस पार्टनरशिप विद इंडिया हैज नो लिमिट्स. यही बात अमेरिका कह चुका है, दिस पार्टनरशिप विद इंडिया इज अ लिमिटलेस पार्टनरशिप. तो कहने की बात सर ये कि ये तेजी से चेंज हो रहा है. एंड दीज आर पीपल ना सर, ये ओरिजिनल मुस्लिम है ना, ये तो ओरिजिनल मुसलमान है. ये जब प्रॉफिट इस्लाम लेकर आए थे तब उसी के 100 साल के अंदर ये सब लोग, ये पूरा एरिया मुसलमान बन गया था. और इनमें सेंस ऑफ मेजोरिटी भी है, एक अंडरस्टैंडिंग है कि समय बदल रहा है. एंड ऑल्सो दिस रियलाइजेशन दैट इंडिया इज द न्यू सुपर पावर. भारत एक नई उभरती महाशक्ति है, इकोनॉमिक, मिलिट्री, डिप्लोमेटिक. और ये एक रिकॉग्निशन है भारत के उभरते स्टैचर का. और ये सिर्फ भारत के लिए इज्जत नहीं सर, भारत भी, मैं पर्सनली, मैं अपनी खुद की, मैं एज गौरव आर्या मैं बोल रहा हूं, I'm a very big admirer and a very huge fan of Crown Prince Mohammed bin Salman. Sir, that man is a rock star. He's an absolute rock star, sir. Usne kya, you know, kuch log hote hain jo 20-30 saal future mein dekh paate hain. There are people who can look into the future. Mohammed bin Salman can look into the future, sir. He's one of those people. Rare hote hain, sir, aise log ho gaye. So he's changing everything. And bilkul theek baat hai, sir, jo dynamic change ho rahi hai aur Bharat ke saath jo rishte hain, ये और मजबूत दर मजबूत होंगे. बिकॉज सर फाइनली इट इज ऑल्सो म्यूचुअल इंटरेस्ट है ना. इंडिया हैज सो मच टू ऑफर टू द GCC कंट्रीज, द GCC कंट्रीज हैव सो मच टू ऑफर टू इंडिया. अब आपने पाकिस्तान की बात करी थी शुरुआत में, यू स्टार्टेड ऑफ विद पाकिस्तान. पाकिस्तान ने इस्लाम को लेके, कश्मीर को लेके, पूरा जिसको कहते हैं ना कि पानी में मट्टी फेर के, बिल्कुल इंडिया इससे निकला. इंडिया रियलाइज्ड कि इनके टच पॉइंट्स क्या हैं. लेट्स टॉक कॉमर्स, लेट्स टॉक ट्रेड, लेट्स टॉक बिजनेस. आज की तारीख में आप किसी भी मुस्लिम कंट्री के पास चले, वो बीच बीच में तुर्की को मिर्गी आती है, थोड़ी सी अर्दोगान को, उसको हिकअप्स आते हैं, मिर्गी आती है, बट अदरवाइज नो मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड
इस बॉर्डर कोई कश्मीर की बात नहीं करता, कश्मीरी खुद कश्मीर की बात नहीं करते आज की तारीख में, सब लोग मस्ती में है सर, एवरीबडी इज मेकिंग मनी, एवरीथिंग इज, एवरीबडी इज हैप्पी, एवरीबडी इज सेटल्ड, तो मामला काफी हद तक ठीक ठाक हो गया है। सो दिस इज वेयर इट स्टैंड्स टुडे। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और मेजर गौरवारिया जी का ये पूरा रिएक्शन, उनके व्यूज आपको काफी पसंद आए होंगे और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि अगले महीने हमारे देश में लोकसभा के चुनाव है, जिसके लिए हर एक पार्टी ने अपनी कमर कस ली है, और आपने देखा मेजर गौरवारिया जी ने भारत के प्रधानमंत्री के बारे में क्या राय रखते हैं और उन्होंने मोदी जी के कामों के बारे में भी बात की, और खासकर जो मोदी जी के रिश्ते हैं गल्फ यानी अरब कंट्रीज के साथ उसके बारे में भी खूब चर्चा की। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।